दोस्तों, आपने कैलाश पर्वत के हजारों रहस्य सुन रखे होंगे और सुने भी क्यों ना हो। कैलाश पर्वत है ही इतना रहस्यमय, लेकिन क्या आपने कैलाश पर्वत पर किसी जिंदा शहर के बारे में सुना है? दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भगवान शिव के लिए और भी आस्था प्रकट हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कोई कहता है कि कैलाश एक पिरामिड है, तो कोई कहता है कैलाश अंदर से खोखला है, और तिब्बत के लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कैलाश पर सभी सिद्ध महापुरुष महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं। आखिरकार इन सारे रहस्यों का असली सच क्या है? सारा का सारा सच आज की छोटी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जो आज तक अजेय माना जाता है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया है, जबकि कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है। फिर भी कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा नहीं है कि किसी ने इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। इस पर बहुतों ने कई बार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं रहा है। वहीं माउंट एवरेस्ट पर अब तक 8000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश पर्वत समुद्र तट से 22,086 फीट ऊंचा है। कैलाश पर्वत तिब्बत के उत्तर में स्थित है, क्योंकि अब तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश पर्वत अब चीन का हिस्सा है। कैलाश कभी भारत का भी हिस्सा था। दोस्तों, अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के पहले रहस्य के बारे में। कैलाश पर्वत अपनी ऊंचाई के चलते नहीं, बल्कि अपने आकार और रहस्यमय विशेषताओं के चलते ही पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसका आकार चौमुखी है, जो दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत से ही चार पवित्र महानदियों का उद्गम हुआ है, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशाओं में बांटती हैं। कैलाश पर्वत को विश्व का एक केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का दूसरा रहस्य है दिशा सूचक यंत्रों का काम नहीं करना। कैलाश पर्वत धरती का केंद्र माना जाता है, जहां सभी दिशाएं आपस में आकर मिलती हैं। ऐसे में दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि कंपास भी कंफ्यूज हो जाता है कि यहां पर कौन सी दिशा किस तरफ है। तिब्बत के लोग मानते हैं इसी स्थान पर किसी अलौकिक शक्तियों का आवरण है, और यहाँ आज भी बहुत से बौद्ध योगी योग मुद्रा में हैं, जिससे कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का आवरण है। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर एक अजीब से रेडिएशन होने की पुष्टि कर चुके हैं, जिससे यहाँ आधुनिक उपकरण काम नहीं करते हैं। इसी जगह धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी मिलते हैं, इसलिए इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत एक खोखला पिरामिड है। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किया। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने के दावे किए गए हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को संरक्षित करती है। एक और बात है जो इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती है, वो है यति यानी हिममानव। यहाँ कई बार हिममानव देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसकी पहचान प्राचीन काल के आदि मानव से की जाती है।
दोस्तों कैलाश पर्वत का अगला रहस्य है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले बूढ़े हो जाते हैं, उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसा एक रहस्यमयी हवा के चलने के कारण होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपने किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर चढ़ना संभव था क्योंकि वहां पर उसके शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। दोस्तों कैलाश पर्वत की चोटी पर दो रहस्यमय झीलें भी स्थित हैं। कैलाश पर्वत पर स्थित पहली झील है मानसरोवर झील। दुनिया में सबसे अधिक ऊंची चोटी पर स्थित मीठे पानी का झील है। यह झील 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इस झील का जो आकार है वो सूर्य के समान है। दूसरी झील का नाम है राक्षस झील। यह झील दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है और यह झील 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर झील भी कहा गया है। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेष नाग पर बैठकर पूरे संसार को संचालित करते हैं और राक्षस झील की मान्यता यह है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसलिए इस झील का नाम राक्षस झील पड़ गया। ये झीलें इतने पास होने के बावजूद भी इनमें होने वाले अंतर आपस में हैरान कर देने वाले एक रहस्यमय तथ्य हैं। मानसरोवर झील को सकारात्मक और राक्षस झील को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि तरंगे भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत अपना रंग बदलता है जो कि सूर्य के प्रकाश के चलते होता है। इसका रंग कभी सफेद, कभी पीला, कभी गोल्डन तो कभी नीले रंग का होता रहता है। कैलाश पर्वत की चोटी पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती रहती है। कैलाश पर्वत से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है। वैज्ञानिकों की माने तो यह ध्वनि बर्फ के टूटने की आवाज से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है और हमारे ब्रह्मांड में भी ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ये नासा के वैज्ञानिकों ने पहले ही पुष्टि की है। अब आप इसे एक संयोग माने या शिव भगवान की शक्ति का रहस्य, ये आपके ऊपर है। गर्मियों में जब भी बर्फ पिघलती है तो डमरू के बजने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव स्वयं डमरू बजा रहे हैं। तो दोस्तों है ना कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी। दोस्तों और एक मान्यता यह भी है कि जो भी मानसरोवर झील में भगवान शिव का नाम लेकर डुबकी लगाता है मृत के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। अगर आप भी कैलाश के दर्शन करने जाते हैं तो मानसरोवर में डुबकी जरूर लगाएं। मानसरोवर में सुबह स्नान करने का मुहूर्त 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है, इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत से देवतागण भी इसी मुहूर्त में स्नान करने आते हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत अपना आकार बदलता रहता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। इसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। कैलाश पर्वत इतनी ऊंचाई पर होने के कारण इस पे पूरे साल बर्फ जमी रहती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई पर्वतारोही इस पर आज तक नहीं चढ़ पाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब जब इंसानों ने भगवान को फतेह करने की सोची है तब तब इंसानों को हमेशा मुंह की कहानी पड़ी है। अब चाहे प्रकृति ही उनका हिसाब खुद कर दे या भगवान शिव को स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर हिसाब करना पड़े। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टिंगिया कोब ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक
मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश लगभग 22 साल पहले यानी 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना यह है कि यह एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। हालांकि कहते हैं कि 94 साल पहले यानी साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहाटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। इसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है। तिब्बत के लोगों का मानना यह है कि कैलाश पर्वत से ही स्वर्ग जाने का रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे दो दिव्य शहर बसे हुए हैं। पहला है संबाला और दूसरा है अगाधा, और संबाला की रक्षा परलौकिक शक्तियां कर रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि कैलाश पर्वत पर अजीब सी रेडिएशन आती है। यहां पर किए गए प्रयोगों से साफ स्पष्ट होता है कि यहां पर कुछ तो रहस्यमयी है। रशिया के वैज्ञानिक मुल्दा सिफ ने लिखा, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेड़ के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिवजी अपने परिवार के साथ निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता है। मरने के बाद ही या जिसने अपने जीवन में किसी तरह का पाप न किया हो वही केवल कैलाश पर्वत पर फतेह कर सकता है। तो दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद और इस वीडियो में देखने के बाद इतना तो निष्कर्ष निकल कर आता है कि आखिर कुछ तो बात है हमारे महादेव में, हमारे कैलाश में, इसलिए तो आज तक उनको कोई फतेह नहीं कर पाया है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के बाद आप भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारा चैनल आपके स्वास्थ्य की चिंता करता है। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना न भूलें। और दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।